हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, आज श्रीनगर में हमारा थर्ड डे है, मतलब हम ये होटल एशियन पार्क में तीसरे दिन तक हम रहे हैं और इन बिटवीन हम यहीं से घूमने गए हैं, जहाँ भी गए हैं। तो आज के दिन हम यहाँ से पैकअप करके पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और मन था कि दोबारा डर लेक जाए, लेकिन नहीं जा पाए। होटल एशियन पार्क में हम लोग जो रहे हैं इसमें ना, ये देखो बाहर भी सिटिंग बनाई हुई है, अगर किसी को बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट करना है, चाय पीनी है, इंजॉय करना है, एटमोसफेयर को देखना है। सुबह का टाइम, अभी धूप नहीं है ना, तो अभी का बहुत अच्छा टाइम है बाहर बैठने का भी। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है और क्या खाने का मन कर रहा है हमारा। तुषार, क्या खा रहा तू? आपके लिए डाल रहा हूँ पूरी भाजी। अब हम चेकआउट कर रहे हैं, चलते हैं अपनी टैक्सी के लिए। हाय, बाय बाय एशियन पार्क। तो टैक्सी में आके बैठते हैं और निकल पड़े हैं पहलगाम की तरफ। बाय बाय, फाइनली तो प्लेन भी है खेत। तो जितना भी हिमाचल साइड पे जब भी देखो ना, तो वहाँ पर जितने भी खेत होते हैं ना, वो सीढ़ी की तरह बने होते हैं और ये एकदम प्लेन है। दोस्तों, पहलगाम जाते हुए एप्पल वैली रास्ते में हम लोग तोड़ कौन रहा है बाद में तोड़ेगा तो इससे सुंदर मंजर नहीं हो सकता, इससे सुंदर कोई व्यू नहीं हो सकता। इतने सुंदर थे, वो कितनी केयर करी होगी, इतने भरे हुए हैं पेड़। मैं भी उस जगह से आती हूँ जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, वहाँ पर इतने सारे पेड़ लगे होते थे आलू बुखारे के। हम लोगों ने घर पे इतने सारे फ्रूट लगते थे हमारे, आलू बुखारा, मौसमी, क्या बोलते, माल्टा, नींबू, अमरूद, इतने सारे फ्रूट्स हम लोगों ने घर के ही खाए हैं हमेशा। तो दिल्ली में आके तो हमेशा हमने बाजार से खरीद के फ्रूट खाया। और मैंने इनके घर के दो नाशपाती के पेड़ थे, नानी ने मुझे बहुत डांटा था क्योंकि और पेड़ गंजे कर दिए थे। इतने सारे नाशपाती लगती थी तब, है ना। तो अब तो इसको देख के इतना मन खुश हो गया, मतलब एकदम मन फ्रेश हो गया। इतना गाड़ी टैक्सी में हम आ रहे थे तो थकावट थकावट से लग रही थी ना, सारी थकावट गायब हो गई। मन तो कर रहा है एप्पल तोड़ लूं, बट फिर मना कर रहा हूं। तोड़ नहीं सकते एप्पल, नहीं तो एप्पल तोड़ने का मन कर रहा है। एक गिरा हुआ है तुषार, ये देख। बस ये गिरा हुआ हमारा है, तोड़ टूटने के लिए बता दे, गिरा हुआ है कहीं, तेरे को पकड़ के मारे हैं। ओह हो, रैबिट, ये रैबिट क्या खाता है? ये खाता गाजर। गाजर घास, गाजर घास। आप कौन से हो? मैं वीडियो लूंगा। ये तो मेरे सपनों का देश लग रहा है, इस जगह तो मैं हमेशा ही रह सकती हूँ। आप भी खाइए, आइए आइए। झिंगूर अपनी आवाज में गा रहा है मस्त। और एप्पल इतना ज्यादा यम्मी है, फ्रेश एप्पल जूस, एप्पल गार्डन में फ्रेश एप्पल जूस। ये चीयर्स। मुझे बताओ, इट्स द यम्मीएस्ट, फ्रेश, टेस्टी, और मतलब हमने पैक भी पिया है ना, तो ये तो बहुत ही टेस्टी। पैक की तो औकात ही नहीं है इसके साथ। क्या ये पेड़ है? है ये पेड़ है कि फ्री पिला रहे हैं? नहीं, पेड़ है। पेड़ सब लोग आते हैं यहाँ पर वैली में, इनको मतलब
यहाँ पर आकर जूस ट्राई करते हैं, फ्रेश एप्पल तोड़ के उसका जूस पिलाते हैं। ये वाला गार्लिक है, गार्लिक डंडी होती है ना ग्रीन, उसी का है, ठीक है, स्टेम जो होता है, हाँ स्टेम, ये वाला है ना, ये लोटस स्टेम है, कमल ककड़ी, कमल ककड़ी, यस, ये प्लेन एप्पल जैम है, ये वॉलनट एप्पल जैम है, इसमें अखरोट है, हनी है, केसर है, ये एप्पल की चटनी, ये एप्पल का पिकल एंड ये सॉस एप्पल का। एप्पल के बाग देखने के बाद ना मैं आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉलनट के ट्रीज हैं, तो ये देखो कुछ वॉलनट गिरे हुए थे तो मैंने उठाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वॉलनट लगे हुए, ये देखो ये वॉलनट लगे हुए हैं, है ना, इसीलिए तो स्वर्ग कहते हैं, ये इतने सारे कुदरती फल खाते हैं ये लोग और इतने खूबसूरत इसीलिए होते हैं, इतने सुंदर सुंदर हैं ये, प्यारे प्यारे हैं, तोड़ के खा, पता ये मेरे धर्मशाला में जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, जहाँ की मैं हिमाचल की हूँ ना, वहाँ पर भी एक अखरोट का पेड़ था ऐसी, ये देखो फ्रेंड, जब सूरजमुखी के फूल खिलते हैं ना बहुत खूबसूरत लगते हैं, और सूरज की तरफ मुख करके खुलते हैं, फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, और ये देखो कितना बड़ा है, तो मेरे फेस इतना बड़ा है ना, बड़ा देखो इसके जो सीड्स है ना, ये सीड्स ये आजकल मार्केट में आते हैं कि ये सीड्स बहुत हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सनफ्लावर सीड्स के नाम से, और इसका ऑयल भी निकलता है। वाह कश्मीर वाह, अखरोट, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं कुछ खा लेते हैं, 8 तारीख दिल्ली आऊंगा तो आप मुंबई आ, आज ना मेरे 2 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, 2 दिन तो मेरे ख़राब हो गए, मतलब मैंने इतना एंजॉय नहीं किया, उस घोड़े की जर्नी में भी मैंने ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, तबीयत ही ठीक नहीं लग रही थी, आज मैं अच्छी तरह से फिट महसूस कर रही हूँ खुद को। मैंने देखा आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छे होटल में रुक जाओ, जितना मर्जी अच्छे से अच्छा आपके सामने खाना आ जाए, जितना मर्जी अच्छे से अच्छा आप घूम लो, आप अच्छे से साइट सींग हो, लेकिन जब तक हेल्थ ठीक नहीं हो ना आप कुछ इंजॉय नहीं कर पाते हो, और मैं उसी चीज़ को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, और मेरी हेल्थ पता नहीं क्यों एकदम प्रेशराइज हो रही थी, और तबीयत ख़राब हो रही थी, स्टमक अपसेट अपसेट से लग रहा था, तो वो 2 दिन मेरे ना बहुत ख़राब हुए, इवन कि कल मैंने अपना व्लॉग का एंडिंग भी नहीं करी, और अभी व्लॉग मैंने कोई भी डाला नहीं, बस एक व्लॉग डाला है और जिसको मैं ठीक से प्रमोट भी नहीं कर पाई, तो इसलिए बाकी व्लॉग मैं ये जाके दिल्ली में ही मैं 1 by 1 इनको डालूंगी। अभी मैं कश्मीर में, मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन रह गए हैं जो अच्छे से इन्जॉय कर लूँ, कश्मीर में इन्जॉय करने का क्या है, कश्मीर में आँखों को ही सुकून मिलता है, आँखें जो देखती है ना इतना ठंडक मिलती है आँखों में जो। दोस्तों आज मैं एकदम फिट हूँ, मस्त हूँ, और एप्पल के बाग में जाने के बाद तो ना एकदम ही फ्रेश हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने यहाँ चाय का ऑर्डर दिया है, वेज है सारा कुछ, पनीर टिक्का, कुछ पनीर के आइटम्स थे जो उनके पास अवेलेबल थे, कढ़ी चावल अवेलेबल था, राजमा चावल अवेलेबल नहीं था, और चाट मेनू में जो चीज़ मांग रहे थे वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर चाय का ऑर्डर दिया है और साथ में पनीर टिक्का का ऑर्डर दिया है, तो वो हम खाते हैं। पहलगाम में आकर हमारे होटल की सर्च शुरू हो गई है, तो हम यहाँ पर फ्रेश वाटर रिजॉर्ट में आए हैं, देखते हैं हमें कैसा लगता है और फिर हम यहाँ की बुकिंग ले लेंगे अगर हमको ये रिजॉर्ट अच्छा लगा तो, खूबसूरत तो है ही। देखो मैं कहाँ आ गई, खूबसूरत वादियों में साथ ही नदी चल कर है, और इतना सुंदर गार्डन, इतना सुंदर गार्डन, मेरे को लगता अभी तक मैं जितनी भी जगह विजिट कर लूँ ना ये कश्मीर की सबसे सुंदर जगह मुझे लगती है, बहुत खूबसूरत है ना दोस्तों, क्या कुदरत ने बनाया है ना, इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती इंसान सोच नहीं सकता ना कि कैसे बनाने वाले ने कैसे ये सब क्रिएट किया। मैं तो ऊपर वाले पे बारी जाऊँ,
ये ब्लॉग लंबा होने के कारण मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इसका सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट डे डालूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।